यस, वेलकम बैक टू माई चैनल। इसमें आइडिया देखिए, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का बहुत ही प्यारा सा नाइटिंग डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज, जेंट्स और बच्चों के कोटी, स्वेटर, जैकेट में। इसके अलावा आप इसे लेडीज कार्डिगन के जैकेट के बॉर्डर के तौर पर भी अप्लाई कीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। ओनली 2 रो रिपीट पैटर्न है जी, सिर्फ 2 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बनता है। के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मेन जो 4 4 फंदों का जोड़। देखिए, बॉर्डर के बाद मैंने जो सीधी साइड से एक सीधी रो डाल ली है और उल्टी साइड से ऐसे मैंने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट किया है। बॉर्डर के बाद आपने अगर कोई भी फंदा कम करना है, बढ़ाना है, तो आप इन सिलाइयों में कर सकते हैं। अब हम अपना पैटर्न सीधी साइड से ही शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखिए, हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं फर्स्ट रो सीधी की ओर से। पहला फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया, अब हमने क्या करना है, देखिए 4 4 फंदों का पैटर्न है जी, 1 2 3 4, एक फंदा सीधा बनाकर साथ वाला भी हम एक और सीधा बना लेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बनाए, अब क्या करेंगे, 1 2 3, देखिए 3 फंदे छोड़कर जो चौथा फंदा है इसमें से हमने ऐसे सिलाई डालनी है, इसे हम ऐसे देखिए सीधा सीधा बनाना है पहली सिलाई को, लेकिन थोड़ा ध्यान से। चौथे फंदे को हमने पहले बनाना है, ऐसे हमने एक लूज लूप लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमने इन 3 फंदों को 1 2 और 3, देखिए इसे हमने ऐसे उतार लेना है। देखिए बाद में हमने जो 3 फंदे बनाने हैं, फिर से यही 4 फंदे हम रिपीट करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे छोड़कर जो चौथा फंदा है इसमें हमने ऐसे सिलाई पानी है। देखिए पीछे से हमने ऐसे एक लूप लिया चौथे फंदे से। अब हम क्या करेंगे, जे वाले फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3, देखिए ऐसे हमारा जे डिज़ाइन बनेगा फर्स्ट रो। फिर से वही 1 2 3, 3 फंदे छोड़कर जो चौथा फंदा है इसे हमने पहले बनाना है, इसे बीच में सिलाई डालकर फिर एक हम ऐसे लूज लूप लेंगे। देखिए फिर से जो 3 फंदे हम बाद में बनाएंगे, पहले चौथे को बनाना है, बाद में उन 3 फंदों को। उसके बाद जो 2 फंदे बच गए हमारे, इसे हमने ऐसे सीधा ही बना लेना है। देखिए फर्स्ट रो हमारी ऐसे कंप्लीट होती है। अब बैक साइड ध्यान से देखना, बैक साइड में हमने क्या करना है, देखिए पहले हमने 2 फंदे सिंपल बनाए थे सीधी की ओर से, अब उल्टी साइड से भी ये पैटर्न बनेगा। देखिए 1 2 और 3, देखिए 3 फंदे हमने ऐसे पार्लवाइज उल्टे बना लेने। अब क्या करना है, 1 2 और 3, देखिए जी 3 फंदे छोड़कर 4 में से जी पहला फंदा हमने बनाना है, 3 फंदे छोड़ने हैं। देखिए जी लूप वाला है जो हमने पहले बनाया था, इसके आगे वाला फंदा हम ऐसे पीछे से ही सिलाई लेंगे। देखिए ऐसे पहले बनाएंगे, देखिए देखिए ऐसे लिया। अब बाद में इन 3 फंदों को उल्टा बनाना है, 1 2 और 3, देखिए इसे हमने ऐसे छोड़ देना है। फिर से वही 1 2 3, 3 फंदे छोड़कर जो 4 4 फंदों का जोड़ है इसके पहले वाला फंदा हम ऐसे पहले बनाएंगे, ऐसे पीछे से हमने ऐसे सिलाई डालनी है। देखिए ऐसे पहले इसे बनाया और बाद में इन 3 फंदों को, 1 2 और 3, इसे छोड़ दिया। देखिए
फिर से मार्जे चार चार फंदों का पेयर आ रहा है, फिर से वही एक दो तीन तीन फंदे छोड़कर ऐसे पीछे से हमने ऐसे सिलाई डालनी है इस फंदे में, इसे उल्टे की तरह ही बनाना है। देखिए पहले हमने चौथा फंदा बनाया, बाद में जी तीन फंदे बनाएंगे, एक दो और तीन, इसे छोड़ दिया। लास्ट में एक फंदा बचा है, इसे हमने ऐसे उल्टा ही बनाना है। देखिए यही दो सिलाइयाँ हैं जो हम आगे आगे रिपीट करते जाएंगे। ऐसे ही देखिए जी हमारा पैटर्न बनने लगा कि ऐसे जिगजैग बनेगा। हम आगे आगे रिपीट करेंगे तो जी पैटर्न ऐसे बनेगा। देखिए फिर से जी फर्स्ट रो हम जहाँ से रिपीट करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे जी पैटर्न आगे आगे बनता जाएगा, बिल्कुल छोटी छोटी चोटियों की तरह बनता है जी। देखिए जिग जिग में बेहद आसान और फटाफट बनने वाला पैटर्न है जी। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज जेंट्स और बच्चों के। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।